हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और यह है वीकली करंट फेयर्स पिछले एक सप्ताह का यानी 10 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक का और इसमें पिछले एक सप्ताह के तमाम करंट फेयर्स आपको मिलेंगे ठीक है तो रिवाइज करने के लिए अच्छा है वीकली करंट फेयर्स एवरी संडे को आता है तो शुरू करते हैं दोस्तों और हाँ एक इन्फॉर्मेशन कि आज सुबह ग्यारह बजे देखेगा ज़रूर मैराथन वीडियो जनवरी से लेकर सितंबर तक का अब तक का टोटल है तमाम टॉपिक उसमें कवर होंगे एम होगा फटाफट क्वेश्चन लेंगे कुछ घंटे का वीडियो होगा ये देखेगा ज़रूर और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप ये वीकली वीडियो ग्यारह बजे के बाद देख रहे हैं तो उसी लिंक के जरिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मैराथन वाला ठीक है तो शुरू करते हैं ये वीकली वीडियो और सबसे पहले राजनीति राजनीतिक राज्यों के फैसले से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा का लोकार्पण किया आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब 13 सितंबर को तो ये जो गुजरात का विधानसभा है ना वो अब ई विधानसभा हो गया मतलब जो भी काम होंगे वो डिजिटली होंगे टैप पे होंगे ओके गुजरात की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी अब डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस से दो लोगों की मौत हो गई और इसके बाद अलर्ट जारी हुआ है आंसर का केरल देखिए केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के शिकार हुए दो लोग उनकी मौत हो गई और इसके अलावा पांच और मरीज हैं तो कई और जिले में वहां पर रेड अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया है और लॉकडाउन जैसी स्थिति लगा दी गई है जहाँ पर ये वायरस मिला है ठीक है तो निपाह वायरस जो है ना वो इन्फेक्शन होता है संक्रमित रोग है और मरीज से दूसरे मरीज को भी हो सकता है तो इसलिए इसको इस पर सख्ती की गई है वहाँ पर कि बीमारी ना फैले चलें आगे बढ़ते हैं और अब आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच में कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमति बनी है आंसर होगा इसका 100 अरब डॉलर ठीक है 100 अरब डॉलर अच्छा एक तो बात हुई कि टास्क फोर्स बनेगा सौ अरब डॉलर का और आठ एग्रीमेंट साइन हुए हैं ये सब रिन्यूएबल एनर्जी डिजिटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंटी करप्शन सहयोग नेशनल आर्काइव बैंकिंग द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर सहयोग और समुद्र के खारा पानी को पीने लायक बनाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है एम साइन हुआ है और इसके अलावा इसके अलावा ये ज्वाइंट टास्क फोर्स स्थापित होगा ओके तो महत्वपूर्ण बात ये रही अगला क्वेश्चन लेते आगे हैं, हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है उनका एम बी एस शॉर्ट में कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान तो उनकी भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर के किस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी है आंसर का वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, है। अगला क्वेश्चन भारत की थोक महंगाई दर लगातार पाँचवें महीने नेगेटिव रही तो अगस्त दो में ये दर कितनी थी आंसर होगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू परसेंट लगातार पाँचवें महीने ये नेगेटिव की ओर रही है ये थोक महंगाई की बात हो रही है नेगेटिव रहने की बड़ी वजह जो है ना अगस्त में क्रूड ऑयल के रेट भी गिरे थे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खाद्य तेल के भी रेट गिरे थे उन सब की वजह से हालांकि जो खुदरा महंगाई दर है वो बढ़ी थी तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है अगस्त 2023 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही आंसर होगा सिक्स परसेंट ठीक है 6.83 परसेंट अच्छा जुलाई में कितनी थी जुलाई में थी 7.44 परसेंट हालाँकि जुलाई से अगस्त में कम देखी गई है महंगाई लेकिन आर बी का जो लिमिट है ना ऊपरी लिमिट टॉलरेंस लिमिट सिक्स परसेंट उससे ज़्यादा ही है ये और ये कैसे तय होता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए ये ये खुदरा महंगाई दर तय होता है और थोक महंगाई दर कैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है आंसर होगा सर्बानंद सोनेवाल वो कौन है तो केंद्रीय पोर्ट शिपिंग वाटरवेज और आयुष मंत्री है ये मीटिंग 10 से 13 सितंबर तक रूसी बंदरगाह शहर वालादिबोस्तोक वहां पर आयोजित हुआ है अब दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और हाँ जो भी मैं बता रहा हूँ ना तो उसका पी डी एफ एवेलेबल है ऐप पर सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हालांकि जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं हज़ारों लोगों ने लिया है तो आप अगर आपने लिया हुआ है तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और एक मेंबरशिप वही प्लान है बहुत मामूली सी रकम है उसकी प्राइस बहुत मामूली है और उसके ज़रिए आपको वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली ये सब पी मिलते हैं अगले तीन दिनों तक और पिछले भी मिल जाएंगे इसके अलावा टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा एयरफोर्स चीफ ने स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी का कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान सितंबर 2023 में रिसीव किया है आंसर होगा सी टू नाइन फाइव ये एयरक्राफ्ट रिसीव किया गया है ये यूरोपीय कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस उसी ने ये दिया है पहला ये एयरक्राफ्ट है उस इस मतलब C295 का पहला एयरक्राफ्ट है और एयर चीफ मार्शल हैं वी आर चौधरी उन्होंने स्पेन में ये रिसीव किया है ठीक है दरअसल भारत को ढेर सारे ये ट्रांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने हैं C295 21000 हजार करोड़ रुपये यानी 21,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी 2021 में और इसके जरिए 56 प्लेन की मांग की गई थी इनमें से 16 ये रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे यानी उड़ते हुए आएंगे 16 स्पेन से और बाकी जो चालीस न वो गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स कंपनी बनाएगी भारत में बनेंगे अगला क्वेश्चन किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार ट्वेंटी में इंडियन एयरफोर्स आर्मी और नेवी ने पार्टिसिपेट किया आंसर होगा मिस्र ठीक है मिस्र में ये सताईस अगस्त से 16 सितंबर तक आयोजित किया गया है ये मल्टी नेशनल ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया है थर्टी फोर कंट्री के ठीक है और दोस्तों अब इवेंट से रिलेटेड यानी जो आयोजन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित किसानों के अधिकारों पर चार दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी यानी ग्लोबल सिंपोजियम उसका उद्घाटन किसने किया आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओके okay, तो ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया था और उसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ये रहा फोटोग्राफ और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं एस ए एफ एफ अंडर सिक्सटीन चैम्पियनशिप का फाइनल किसने जीता है आंसर होगा भारत एस ए एफ एफ का फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन तो 10 सितंबर को भारत ने बांग्लादेश को हराकर कर चैम्पियनशिप जीत ली है इंडिया ने आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं यूएस ओपन 2023 के महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स खिताब की विजेता का नाम बताएं आंसर होगा कोको गॉफ अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं वो मात्र 19 साल की उम्र में ये पहला ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है अगला क्वेश्चन यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल यानी मैंस सिंगल्स खिताब की विजेता का नाम बताएं आंसर होगा नोवाक जोकोविच ठीक है तो उन्होंने ये चौबीसवा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है ग्रैंड स्लैम कई होते हैं तो उनमें से चौबीसवा है टोटल मिलाकर इन्होंने जीता है अब तक अगला क्वेश्चन लेते हैं नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा वहाँ ग्रैंड स्लैम जीत कर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है आंसर मैंने पहले ही बता दिया था 24 ठीक है तो ये उनके करियर का चौथा यूएस ओपन खिताब है और चौबीसवाँ ग्रैंड स्लैम है ओके आगे बढ़ते हैं और ये तमाम विजेता उपविजेता उन सब की पूरी लिस्ट है मुख्य तौर पर पुरुष एकल महिला एकल जरूरी है आप चाहें तो बाकी भी देख सकते हैं पीडीएफ में सब दिया हुआ अगला क्वेश्चन लेते हैं वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से तेरह हज़ार रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है आंसर को विराट कोहली तो अब ये सबसे तेज तेरह हज़ार रन बनाने वाले हो गए हैं इन्होंने बारह हज़ार रन भी सबसे तेज से ग्यारह दस नौ आठ ये सारे सबसे तेजी से रन बनाए हुए हैं ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता आंसर का जर्मनी ठीक है फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन तो कहाँ पर जीत हुआ है फिलीपींस जापान और इंडोनेशिया में और फाइनल मैच जो है ना वो मनीला में हुआ है फिलीपींस की राजधानी में अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी जी सबसे हॉट टॉपिक उससे रिलेटेड तमाम कंटेंट फटाफट आपको बताते हैं क्वेश्चन होगा जी ट्वेंटी समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किन देशों और संगठनों ने एम साइन किया आंसर को उपरोक्त सभी यानी सात देश हैं और एक संगठन है कौन कौन से भारत यू सऊदी अरब इटली फ्रांस जर्मनी यूएसए और यूरोपीय यूनियन तो ये सब देश हैं इस प्रोजेक्ट का फायदा इसराइल और जॉर्डन को भी मिलने वाला है कितना लंबा ये पर, ये कॉरिडोर होगा करीब छः से आठ हज़ार किलोमीटर लंबा होगा और साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर समुद्री मार्ग भी होगा तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके होगा, से होगा मुंबई से यू तक समुद्र मार्ग दूसरा होगा रोड और रेल जो कि यू से लेकर ये सऊदी अरब जॉर्डन और इसराइल तक पहुँचेगा फिर वहाँ से हाइफा पोर्ट से यूरोपीय देशों में और फिर समुद्र मार्ग और फिर यूरोपीय देश में जैसे लैंड पे पहुँचेंगे वहाँ से फिर रोड और रेल का नेटवर्क रहेगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट है एक इम्पॉर्टेंट ठीक है कितनी रकम लगेगी अभी तय नहीं है अगली मीटिंग में इन सब पर फाइनल हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं जी ट्वेंटी समिट के दौरान किस देश ने चीन के बी यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने का इशारा किया आंसर होगा इटली इटली ने कहा है कि वो इससे खुश नहीं है और छोड़ सकता है इशारा किया अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है इटली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है जॉर्जिया मेलोनी जो देख रहे हैं आप फोटोग्राफ राजधानी है रोम ठीक है और इटली जो है ना वो बी पर सिग्नेचर करने वाला एकमात्र जी सेवन देश है अब वो भी हट रहा है वहाँ से चीन के इस प्रोजेक्ट से क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से ना बहुत सारे दुनिया के देश जो है ना वो बैंक बैंकप्सी की ओर पहुंच गए इतना ज़्यादा लोन दे दिया बी के नाम पर चीन ने कि अब वो देश चुका ही नहीं पा रहे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं शिखर सम्मेलन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जी ट्वेंटी उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया तो यह इनमें से किससे संबंधित है आंसर का जलवायु और मौसम की निगरानी ठीक है और ये तौर पर ग्लोबल साउथ देशों को मदद करने के लिए यह है ग्लोबल साउथ शब्द का मतलब होता है विकासशील देश और अल्प विकसित देश उन सब के लिए ही यूज किया जाता है जो अफ्रीका और एशिया लैटिन अमेरिका इन सब देशों में स्थित हैं अगला क्वेश्चन जी ट्वेंटी समिट में ग्लोबल बायोफिल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा हुई है तो इसके आरंभिक सदस्य कौन हैं आंसर का उपरोक्त सभी यानी भारत अर्जेंटीना बांग्लादेश ब्राजील इटली मॉरिशस साउथ अफ्रीका यू और यूएसए ठीक है तो ये ऐलान किया गया जी ट्वेंटी समिट के दौरान तो ये आरंभिक सदस्य हैं यानी इनिशियल मेंबर हैं ठीक है थीके? और इसके अलावा दो देश जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं वो कौन कौन से हैं कनाडा और सिंगापुर ठीक है तो कुल मिला के अगर इन इनको जोड़ लें और टोटल जोड़ लें तो 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होने के लिए सहमति जता चुके हैं लेकिन इनिशियल मेंबर यानी शुरुआती सदस्य यानी कहें संस्थापक सदस्य तो यही रहेंगे तो ये ध्यान रखना है बायोफ्यूल क्या है वो फ्यूल जिस जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है अगला क्वेश्चन जी ट्वेंटी समिट के दौरान सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष को स्मारक स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी आंसू महात्मा गांधी राजघाट पर ठीक है तो जी ट्वेंटी समिट कब से कब हुआ है नौ और दस सितंबर को तो दस सितंबर को यानी दूसरे दिन और आखिरी दिन तमाम सदस्य और मेहमान देश ज़्यादातर वो सब वहाँ राजघाट पहुँचे थे और मौन भी का सिर झुकाया और अब बात कर लेते हैं जी ट्वेंटी के घोषणा पत्र को लेकर देखिए जो घोषणा पत्र है वो थर्टी सेवन पेज का ये घोषणा पत्र है ठीक है एटी थ्री पैराग्राफ है लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो देख रहे हैं आप ये है कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एस डी जी यानी सतत विकास लक्ष्य उस पर काम करेंगे सभी देशों को यूनाइटेड नेशन चार्टर के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए बायफुल अलायंस बनाया जाएगा जो कि बन चुका है एक धरती एक परिवार और एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूत किया जाएगा जैसे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ है इन सबको और फंड दिया जाएगा ताकि चीन जैसे देश जो है ना वो Uh, मतलब चीन जैसे देशों के पास कमज़ोर देश को ना जाना पड़े वहाँ से लोन ना लेना पड़े क्योंकि चीन के कब्जे में चले जाते हैं बहुत सारे देश इसके अलावा ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा ठीक है क्रिप्टोकरेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने की बात हुई है कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जाए ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है और इंटरनेशनल टैक्सेशन पर बात हुई है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन होना चाहिए एक समान जैसा अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों जी ट्वेंटी की स्थापना के, के बाद पहली बार 2023 में इसका विस्तार हुआ तो इसका 21वां सदस्य कौन बना है ट्वेंटी फर्स्ट मेंबर आंसर का अफ्रीकी संघ ठीक है भारत मंडपम में आयोजन हुआ तो उसी के दौरान उद्घाटन के समय ही नौ सितंबर को उद्घाटन सत्र के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा कि यूनियन को लेकर उसका प्रस्ताव पारित कर लिया गया और इसी के साथ अब 21 मेंबर हो गए हैं तो अगली बार जो समिट होना है ना ब्राजील में होना है तो उसे G21 कहा जाएगा अगला क्वेश्चन G20 का कौन सा वहाँ शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को आयोजित हुआ है आंसर होगा अठारहवां शिखर सम्मेलन ठीक है अठारहवीं समिट थी वह अगला क्वेश्चन अठारहवें जी ट्वेंटी के शेरपा का नाम बताएं कौन है आंसर होगा अमिताभ कांत ओके अगला क्वेश्चन जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है नाम है इसका भारत मंडपम ठीक है फोटोग्राफ देख रहे हैं आप ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है और उसको नाम दिया गया है भारत मंडपम सताईस सौ करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलप किया गया अगला क्वेश्चन जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी आंसर नटराज यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है ठीक है ऊंचाई 27 फीट चौड़ाई 21 फीट है यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति नहीं कहेंगे दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहेंगे ठीक है नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा अष्ट धातुओं से बना है, यानी आठ धातुओं से जस्ता सीसा टिन चांदी सोना पारा लोहा इन सब से। यह शिव की तांडव मुद्रा है अगला क्वेश्चन भारत ने जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी अतिथि देश का दर्जा दिया था आंसर का नौ नौ देशों को दिया था अगला क्वेश्चन भारत ने जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया मतलब कि नाम बताइए आप आंसरों को उपरोक्त सभी नौ देश हैं बांग्लादेश मिस्र मॉरिशस नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन यूएई और नीदरलैंड्स ठीक है ये सब सभी के पहुँचे राष्ट्राध्यक्ष हालाँकि स्पेन के न पहुँचे इनको कोविड 19 हो गया था अगला क्वेश्चन लेते हैं भारत की अध्यक्षता में अठारहवें जी ट्वेंटी समिट के थीम बताएं आंसर होगा वसुधैव कुटुम्बकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी आंसर होगा ब्राजील अगला ब्राजील में होना है रियो डी जेनेरियो में ठीक है दो का 2025 का कहाँ होगा दक्षिण अफ्रीका में 2026 का यूएसए में होगा ओके अगला क्वेश्चन हालांकि अगले समिट से पहले वर्चुअल समिट में होनी है भारत की अध्यक्षता में जी का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा आंसर होगा नवंबर 2023 में ठीक है नवंबर में आयोजन होगा क्योंकि नवंबर तक इंडिया जी का अध्यक्ष रहेगा दिसंबर से नवंबर तक का ये टेन्योर होता है तो अब दिसंबर से ब्राज़ील हो जाएगा अगले नवंबर तक के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भारत की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी की 200 से ज़्यादा मीटिंग कितने शहरों में हुई है आंसर का 60, 60 शहरों में हुई है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है ठीक है इसलिए अब हर शहर के बारे में जानना जरूरी नहीं है फिर तो साठ क्वेश्चन हो जाएंगे साठ ही नहीं होंगे अब 200 तरह के मीटिंग हुई है, तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूँ जी ट्वेंटी का वो काफ़ी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं भारत ने जी ट्वेंटी की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की थी आंसर होगा उदयपुर क्योंकि पहली मीटिंग थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है बाकी मीटिंग क्या कब कहाँ हुई वो बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है अब क्योंकि अब जी ट्वेंटी की समिट हो चुकी है तो समिट से रिलेटेड जो कंटेंट है ना वो सब जरूरी है अगला क्वेश्चन जी ट्वेंटी समिट में किन दे सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित रहे और अपने प्रतिनिधि भेजे उन्होंने आंसर का चीन और रूस ये दोनों जो है ना वो अनुपस्थित थे यहाँ बात हो रही है सदस्य देशों की स्पेन के राष्ट्रपति भी नहीं आए लेकिन वो आमंत्रित थे यानी गेस्ट कंट्री के तौर पर थे ये तो मेंबर कंट्री है तो चीन के राष्ट्रपति ने तो मना कर दिया था कि नहीं आएंगे हम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन वो चूंकि युद्ध चल रहा है यूक्रेन से उनका तो उस वजह से उन्होंने मना किया था आगे बढ़ते हैं और अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं किस देश में डैनियल तूफान की वजह से वाडी डना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से करीब बीस हजार लोगों की मौत हो गई तो आंसर होगा लीबिया ये अफ्रीकी देश है और यहाँ पर 9 और 10 सितंबर की रात को मेडिटेरियन सी के ज़रिए डनेल तूफान आया था और उससे वाडी डरना नदी के दो डैम टूट गए थे और इससे जो तूफान का पानी और नदी का पानी डैम का पानी सब अचानक निकला और डरना शहर को तबाह कर दिया करीब करीब 25 परसेंट शहर ना साफ़ हो गया एकदम तो बह गया समुद्र में चला गया मेडिटेरियन सी में चला गया भूमध्य सागर में चला गया बहुत बुरी हालत है वहाँ पर इसके बारे में मैंने डेली के अफेयर्स वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है मैप वगैरह सब कुछ के जरिए अगला क्वेश्चन किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 पॉइंट टू स्केल का भूकंप आया जिससे तबाही मच गई आंसर के मोरक्को ढाई हजार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ पर कब आया भूकंप 8 सितंबर की रात को और इस भूकंप की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है माराकेच नाम से तो उसकी दीवारें भी ढह गई हैं तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है माराकेच किस देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसकी दीवारें भूकंप की वजह से गिर गई सितंबर 2023 में तो मोरक्को अब दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा किस देश की संसद में दो शवों के अवशेषों को पेश करके दावा किया गया कि एलियन के एक हज़ार साल पुराने शव हैं ये ममीकृत शव हैं आज का मैक्सिको मैक्सिको की संसद में 12 सितंबर को ये एलियन की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई थी और उसी दौरान दो शव के अवशेष दिखाए गए और दावा किया गया ये एलियन के हैं मैक्सिको के जर्नलिस्ट और योफोलॉजिस्ट जेम मोसान ने ये शव दिखाए और कहा कि ये एलियन के हैं और उनका कहना है कि ये उन्होंने पेरू से ये एक खदान से उनको मिला था और इन शवों के तीन उंगलियां हैं ठीक है, है। हालांकि विशेषज्ञों का मतलब उनका विशेषज्ञों जो दूसरे हैं वैज्ञानिक वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई बार आ, एलियन के बारे में कहा था और हर बार झूठ साबित हुआ था इनकी इनका जो डेटा था और इनका जो दावा था वो सब झूठ साबित हुआ था तो इस बार अभी तक पता नहीं चला है लेकिन जे एम जो जर्नलिस्ट है उनका कहना है कि हमने इसकी कार्बन डेटिंग भी करवाई है एक यूनिवर्सिटी से लेकिन यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ सैंपल भेजा गया था हमारे यहाँ पूरी बॉडी नहीं आई थी तो हम हमें क्या पता कि इसी का वो सैंपल था ठीक है लेकिन चूंकि संसद में पेश किया गया है तो इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है आम जगह पर कोई पेश करता कोई दावा करता और जब तक कि वैज्ञानिक इसको प्रूफ नहीं करते तब तक इसको सही नहीं मानते और तब तक वो खबर या फिर वो करंट करेंटफर्स के लिए नहीं बनती लेकिन चूंकि ये संसद में किस देश की पेश किया गया है मैक्सिको की इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है ठीक है हो सकता है सही हो हो सकता है गलत हो कुछ कहा नहीं जा सकता हालांकि अब तक झूठी साबित हुआ है तमाम उनके दावे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भारत के ऐसे पहले स्पेस का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी भेजी है आंसर होगा आदित्य एलवान ठीक है आदित्य एलवान जो है ना वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं कुछ दूरी पर पृथ्वी से कुछ दूरी पर करीब पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर एलवन पॉइंट पर पहुंचने के रास्ते में है चार महीने का वक्त लगेगा तो उसी के दौरान अपनी सेल्फी भेजी ठीक है आदित्य एलवन अब योजना यानी स्कीम जो गवर्नमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उस सबकी उस पर बात करते हैं क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी आंसर होगा उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अगला क्वेश्चन चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच में वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा यानी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर शुरू होगा आंसर होगा रूस और इसके लिए बातचीत करने के लिए वहाँ गए सर्बानंद सोनेवाल ठीक है अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और इस वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जोर दबाइएगा ठीक है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उससे अपील है जरूर कर लें बिलाकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और हाँ वीडियो देखेगा ज़रूर वो वाला मैराथन वीडियो ग्यारह बजे तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा 15 सितंबर को और थीम क्या है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना अगला क्वेश्चन भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है आंसर होगा पंद्रह सितंबर को किनके जन्मतिथि पर तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया उनकी जन्म तिथि पर ये इंजीनियर्स डे है अगला क्वेश्चन लेते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा चौदह सितंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा सितंबर के दूसरे शनिवार यानी 2023 में 9 सितंबर को अगला क्वेश्चन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है आंसर होगा सितंबर 2023 को और थीम क्या है इस बार की सुपोषित भारत साक्षर भारत और सशक्त भारत अगला क्वेश्चन नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा सात सितंबर को दो की थीम स्वच्छ वायु के लिए एक साथ टुगेदर फॉर क्लीन एयर अगला क्वेश्चन हिमालय दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा 9 सितंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा 9 सितंबर को संयुक्त तो राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स इस सप्ताह का और अब इंतजार कीजिए मैराथन वीडियो देखेगा जरूर ओके और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मंडे टू सैटरडे हम देते हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर बाय